Hi friends, कैसे हैं आप दोस्तों? आज 27 मार्च है, फ्राइडे का दिन है। शायद आप सबकी जुमा की नमाजें भी घर में हुई होगी। दोस्तों, ये कोरोना वायरस ऐसी महामारी बन गया है कि अभी आप और हम सबको अपने घर में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, इस कोरोना वायरस ने सारी दुनिया की पोल खोल के रख दी है। कुदरत के आगे इंसान पहले भी कमज़ोर था और आज भी कमज़ोर है और आगे भी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि ये कुदरत है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस कोरोना वायरस को थोड़ा सीरियस लो। और शुरू में मुंबई में भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज कानून इतना सख्त कर दिया गया है कि लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। और मेरे बेंगलोर के भाइयों से, माँ बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सलामत रहे तो इंशाल्लाह आपका घूमना फिरना सबको सलामत रहेगा। क्योंकि बेंगलोर में कोरोना वायरस को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है। लोग घरों से मार्केट बाज़ार जहाँ मतलब पहले जैसे जाते थे उतने नहीं जा रहे, लेकिन कम हो गए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने घर में रहो। ये कोरोना वायरस ऐसी महामारी बनकर आई है, आपको अगर इस बीमारी में मौत आ जाती है तो आपको सिर्फ कफन में लपेट के आपको दफन कर दिया जाएगा। नमाज़े जनाजा जैसी होगी वो होगी, पता नहीं कैसे होगी, लेकिन कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई रिश्तेदार करीब नहीं आ पाएंगे, सारे लोग डरे हुए, नफसा नफसी जैसा माहौल बन गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप घरों में रहें, सलामती से रहें, आप थोड़ा सा सीरियस लें। देखिए, इस चीज़ को इटली ने सीरियस नहीं लिया था। आज जैसे हम लोग घूम रहे हैं उसी तरह से इटली वालों भी इसको एकदम नॉर्मल तरीके से लिया था। आज इटली की हालत इतनी ख़राब है, घरों में लोगों की मौतें हो गई है, कोई उठाने वाला नहीं है, बदबू आना चालू हो गई है बिल्डिंगों में से, ऐसे माहौल हो गया है दोस्तों। तो प्लीज़, ये ऐसी महामारी है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके नतीजे कह रहे हैं कि बाद में आएंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये ना आए, अच्छा हो रहेगा। लेकिन आप लोग जितना हो सके प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो कभी नहीं घूमने निकलता था वो भी आज घूमने निकल रहा है, उसको लगता है कि मज़ा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। लेकिन अगर खुदा ना करे, अगर कहीं रास्ते पर आप निकले और इस बीमारी की जरे सी भी जम्स आपको लग गए, आप घर में आएंगे, नॉर्मल रहेंगे, आप उतना प्रिकॉशंस नहीं लोगे, आप वो बीमारी आपके घर में परिवार को लग सकती है। ये आप समझ के चलो, क्या होगा अगर एक घर में अगर पूरे परिवार को लग जाए तो। ऐसे कई मामले आप और हम मैं देख भी रहा हूँ। और इसका इस बीमारी के टेस्ट होते 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 तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर जाएंगे और लास्ट में आपको पता चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सेफ रहो, सलामत रहो, अपने घरों में रहो, बाहर निकल कर अपनी हिमाकती मत दिखाओ मेरे भाइयों। और दूसरी बात, मैं मेरे भारत सरकार के से भी कहना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस का टेस्ट है इसको प्लीज़ फ्री किया जाए, क्योंकि 4,500 रुपये का एक टेस्ट हो रहा है। और ये टेस्ट जो है कहाँ से एक परिवार लाएगा, सब घर में बन बैठे हैं, कहाँ से पैसे लाएगा? किसी के पास है, कोई रोज़ कुआं खोद कर रोज़ पानी पीने वाला है, किसी के पास नहीं है। सैनिटाइज़र को आम किया जाए और मास्क को भी आम किया जाए, और प्लीज़ इस बीमारी के टेस्ट को भी जो है फ्री किया जाए। हमारे MPs फंड्स होते हैं, MLAs फंड होते हैं, नगर सेवक के भी फंड्स होते हैं, सरकार लोगों के लिए प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़कर आए, इस महामारी के टेस्ट को फ्री करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर एक परिवार में 6-7 लोग रहते हैं, 4,500 रुपये के हिसाब से कितने पैसे हो जाते हैं, कहाँ से लाएंगे, कारोबार बंद, सब कुछ बंद है, और घर से निकलना भी मुश्किल है। आप सोचिए कि गरीब आदमी जो
जिसका नौकरी पर ही सब कुछ गुजारा चलता है, हर किसी का इसी तरीके से है। और मैं चाहूँगा कि इस टेस्ट को फ्री किया जाए और ज़्यादातर लोग प्रिकॉशंस ले अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, अगर आप सलामत रहें अपने बाल बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आप इस बीमारी को, इस महामारी को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, आप घर से मत निकलिए, आप अपने घर में आराम से रहिए। ये मौका मिला है आपको अपने परिवार के साथ वक्त देने का, टाइम देने का, उनके साथ अपना वक्त बिताने का, तो प्लीज़ सेफ रहिए, सलामती से रहिए और अपने घरों में रहिए। इस बीमारी को थोड़ा सा सीरियस रखकर देश को बचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, मेरी बात सरकार तक, सरकार के रहनुमा तक जाए, जहाँ से इस बात को लिए थोड़ा सा गरीबों के प्रति, इस देश के प्रति लोग, हमारे जो सरकार जो है, इस टेस्ट को फ्री करें, सैनिटाइज़र को आम करें, फ्री करें उसको भी, और मास्क को भी आम करें, ताकि इसके लिए पूरी तरीके से लोग अपने आप को सेफ करके चलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।